हमने टेंसेस पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है। ये हमारा आज टेंसेस हम जो करेंगे परफेक्ट टेंसेस। हमने ये तरतीब रखी है कंटीन्यूअस पहले की, आज हम परफेक्ट टेंसेस जो है उनकी ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो परफेक्ट टेंसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, आगे परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस की उर्दू में पहचान होती है कि फिक्रे के आखिर में चुका है या लिया है लगा हुआ। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, उसने नाश्ता कर लिया है या वो नाश्ता कर चुका है, चुका है या लिया है, ये दो लफ्ज देख रहे, चुका है या लिया है, या चुका चुकी है, चुका है चुकी है, चुके हैं, और आगे में आ जाएगा चुका था, चुका होगा, या लिया था या लिया होगा। तो ये चुका या लिया, इसमें काम हम मुकम्मल कर चुके होते हैं, अपने से पिछले दौर के अंदर हम पिछले काम मुकम्मल कर चुके होते हैं। तो इसमें ये पहचान है उर्दू के फिक्र के अंदर में फिक्र के आखिर में चुका है या लिया है, या चुका था या लिया था। मतलब मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका था, मैं नाश्ता कर चुका हूंगा, अली क्रिकेट खेल चुका है, अली क्रिकेट खेल चुका था, अली क्रिकेट खेल चुका होगा। तो ये है, था और होगा वो जानते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को शो करते हैं। असल इसकी पहचान चुका या लिया है, परफेक्ट की पहचान ये है, था और होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को शो करते हैं, और लफ्ज चुका है या लिया है ये परफेक्ट को शो कर रहे हैं। इस बार फिक्र के आखिर में लफ्ज चुका है आगे, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है। अगर चुका था आगे तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है। अगर चुका था, चुका होगा या लिया होगा आगे, तो आप समझते हैं गागी ये है, ये फ्यूचर की निशानी है, और ये चुका या लिया परफेक्ट भी, तो ये फिक्र फ्यूचर परफेक्ट का फिक्र है। इस तरीके से आप फिक्र को पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो आगे हम इनको ट्रांसलेशन कैसे करने हैं उसको हम सीखते हैं, हाउ टू हाउ वी ट्रांसलेट देम। तो इंग्लिश के सेंटेंसेस इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का ये सेंटेंस है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो परफेक्ट टेंसेस है, परफेक्ट टेंसेस भी करेंगे हम, जो वर्ब है सब्जेक्ट पर वर्ब की जगह पर हम करेंगे हैप्पी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो है वो वही लगे। ये जो वर्ब है इसमें हम ये मॉडिफिकेशन करेंगे, तब्दीली इसमें ये आएगी कि इसमें हैप्पी वर्ब और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और ऑब्जेक्ट जो है एज इट इज जहां होना चाहिए वही होगा। तो वर्ब के अंदर तब्दीली, हैप्पी वर्ब और थर्ड फॉर्म। तो आइए इसमें कौन कौन से हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो वो लिखते हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए इन, ये इसकी चाबी है, ये इसकी की है, आप इसको पक्का ध्यान में रखें। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो होंगे हैज, हैव, माजी में इस्तेमाल होंगे है, फ्यूचर में इस्तेमाल होंगे विल हैव और शैल है। बच्चों ये पांच हेल्पिंग वर्ब है, दो प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है और दो फ्यूचर में है। ये पांच हेल्पिंग वर्ब है, यही इस तीन टेंसेस की एक चाबी है, यही भी की है, आपने इनको ध्यान से तैयार कर लिया कि प्रेजेंट होगा पहली लाइन में हैज है, दूसरी लाइन में हमने हैड इस्तेमाल करना है, और तीसरी लाइन में हमने इस्तेमाल करना है विल हैव और शैल हैव। तो हमने ये पांच जो हेल्पिंग वर्ब है पांच, इनको आप पक्का दिन में बैठा लें कि हमने इन पांच को फोकस करना है। ये पांच दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब हम इसके फिगर की ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन में अगर प्रेजेंट होगा तो हैज हैव और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, फ्यूचर होगा पास्ट होगा तो हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म, फ्यूचर होगा तो विल हैव शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। इनमें वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। और फिक्र हम हल करते हैं मिसाल को, हम नाश्ता कर चुके हैं,
ये लफ्ज शो कर रहा है कि परफेक्ट का फिगर है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव की वर्ब यूज की है, हैव और हैव में से एक लगेगा। तो चूंकि हम है, इसका लफ्ज हुई, सब्जेक्ट हुई, अब जमा है ना, हैव लग गया, वी हैव। मैंने कहा था कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वी हैव। नाश्ता करना टेक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन, वी हैव टेकन। ब्रेकफास्ट, तो ये देखिए ये तो हमने कभी नहीं किया, ये हमने जो इस्तेमाल किया हैव और टेक के साथ थर्ड फॉर्म, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो इसमें हैव की वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर अली नमाज पढ़ चुका है, अली है, तो वो पहले लाइन में हैज और हैव में कोई का लगेगा, अली वाहिद है, हैज लगेगा। अली हैज ऑफर्ड प्रेयर, तो ये जो हैज है और इसके साथ थर्ड फॉर्म हैज ऑफर्ड प्रेयर। ऐसे ही अगर ये आप नाश्ता कर चुके थे, आ रही यहां पास का फिक्र हो गया, तो हैज हैव की जगह पर आप देखिए कौन सा लगेगा, जब थे होगा दूसरा था, क्योंकि थे तो सिर्फ हैड यूज होगा, वही हैड टेकन। और अगर यहां आ जाए नमाज पढ़ चुका था, ये पास में हो गया, तो वही हैज की जगह पर आ जाएगा हैड, जस्ट ये तब्दीली है और टेंस बदल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप नाश्ता कर चुके होंगे आगे, या अली नमाज पढ़ चुका होगा फ्यूचर में आगे, तो जहां हैज है उसकी जगह पर ही सिर्फ हैज की मतलब तब्दील होगा, वही ये जो चुके होंगे इसमें विल हैव और शैल हैव, हम है डायरेक्ट के साथ हम शैल हैव रहे, शैल हैव, ठीक है, वही शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। और इसी तरीके से अली नमाज पढ़ चुका होगा फ्यूचर है, तो इसकी जगह पर विल हैव आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आई भी होगा उसके साथ शेड हैव लगेगा और बकाया सबके साथ विल है। तो इस तरीके से हम नाश्ता कर चुके हैं अगर आएगा, तो वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर चुके थे आएगा, तो वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अगर आए हम नाश्ता कर चुके होंगे, वी शेड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ऐसे ही अली नमाज पढ़ चुका है, तो अली हैज टेकन। अगर अली नमाज पढ़ चुका था, तो अली हैज टेकन। अगर अली नमाज पढ़ चुका होगा, तो अली विल हैव टेकन, अली नमाज पढ़ चुका होगा, विल हैव ऑफर्ड प्रेयर। अली नमाज पढ़ चुका है, अली हैज ऑफर्ड प्रेयर। अली नमाज पढ़ चुका था, अली हैज ऑफर्ड प्रेयर, ऑफर्ड प्रेयर। अगर अली नमाज पढ़ चुका होगा, अली विल हैव ऑफर्ड प्रेयर। तो बेसिकली इनका इस्तेमाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर है आएगा तो हैज है को ये लगेगा, अगर फिक्र के आखिर में था आएगा तो हैड लगेगा, अगर फिक्र के आखिर में होगा होगी आएगा, चुका होगा चुके होंगे, तो विल हैव शैल हैव लगेगा और इनके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये बेसिकली ये जो पांच हैज की वर्ब हैं, ये इस टेंस की कुंजी है। अगर आप इनका ध्यान से इस्तेमाल कर लें, याद रख लें कि प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होते हैं इनके साथ थर्ड फॉर्म, बच्चों यही परफेक्ट टेंसेस हैं। आप इनको ध्यान से करेंगे तो आप आसानी से टेंसेस समझ सकते हैं। बच्चों आइए अब थोड़ा मिसालों से मजीद वजाहत करते हैं परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट टेंसेस बेसिकली पांच हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की लगेगी, तो ये परफेक्ट टेंसेस है। तो पांच हेल्पिंग वर्ब है इज, सॉरी हैज, हैव, और दूसरी लाइन में हैड, तीसरी लाइन में विल हैव, शैल हैव। प्रेजेंट के लिए हैज हैव लिख लेते हैं, प्रेजेंट के लिए हैज और हैव, पास के लिए हैड, फ्यूचर के लिए विल हैव और शैल हैव। आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप पक्का ध्यान में रख लें, यही इस्तेमाल होते हैं इनके बाद अगर वर्ब जो होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी और ये परफेक्ट टेंस बन जाएगी। आइए बड़े मसालों से वजाहत करते हैं। मसलन अली आम खा चुका है, या अली ने आम खा लिया है, ये एक ही है बेसिकली। इसके हम प्रोसेस करेंगे, अली खा चुका है, चुका शो करता है परफेक्ट है शो करता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में है और है में से कोई लगेगा। अली हैज ईटन,
मैंगो, ये हैव और उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, अली हैव ईटन मैंगो, हैव में हैव से कोई ईट लगेगा। और अगर इसी जगह पर हम था लेते अली आम खा चुका था, अली हैड जस्ट की तब्दीली होनी है, अली हैड ईटन मैंगो। और अगर ये आया अली आम खा चुका होगा फ्यूचर में चले जाए, जस्ट ये वर्क तब्दील, ये हैव वर्क तब्दील होना है, अली विल हैव, बाकी सारा खतरा हुई अली विल हैव ईटन मैंगो। तो अहम बात यह है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्क तब्दील होगा तो टेंस तब्दील हो जाएगा, बाकी फिक्र वही है, अली आम खा चुका है, अली हैड ईटन मैंगो, अली आम खा चुका था, अली हैड ईटन मैंगो, अली आम खा चुका होगा, अली विल हैव ईटन मैंगो। तो ईटन मैंगो की थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगी, अगर है तो हैज, अगर था तो है, अगर होगा होगी तो विल हैव और शैल हैव, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको दिन में रख लेते हैं तो आपके लिए इंतहाई आसान है परफेक्ट टेंस को समझना, हैविंग वर्ब एज है और विल हैव शैल हैव और इनके साथ थर्ड फॉर्म, बस ये परफेक्ट टेंस है, इसको जेहन में रख लेना, चुका है, चुका था, चुका होगा, ये इसकी निशानी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन फिक्रों को, परफेक्ट टेंसेस के फिक्रों को नफी बनाने का तरीका काट लेंगे। नफी कैसे करेंगे, नफी और सवाल कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर यही सुहेल क्रिकेट खेल चुका है, सुहेल हैज प्लेड क्रिकेट, इनको भी कंटिन्यूअस टेंसेस की तरह सेम उसी पैटर्न पर नफी बनाना भी इंतहाई आसान है। अगर सुहेल क्रिकेट नहीं खेल चुका, यहां पर नफी आएगा तो हम हैज हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, सुहेल हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव हैव हैड विल हैव शैल हैव, इन जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद नॉट लग जाएगा तो ये नफी हो जाएगी। और पिछले सूत्र की तरह वैसे ही ये जो चूंकि डबल हैव विल हैव शैल हैव तो पहले विल के बाद, पहले के बाद नॉट लग जाएगा, उससे शैल के बाद। देखिए सुहेल क्रिकेट खेल नहीं खेल चुका है, और अगर हम लिखे सुहेल क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आमतौर पर जो पास्ट के फिगर होते हैं डबल आते हैं, लेकिन अभी हम सिंगल ही करेंगे, अगले स्टेप पे हम जा रहे हैं डबल करेंगे। सुहेल क्रिकेट नहीं खेल चुका था, सुहेल ये हैड आया था था। और उसके बाद नॉट लगा दी, सुहेल हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसके बाद फॉर नॉट लगा दी। अगर हम तीसरे सेंटेंस में आ जाए फ्यूचर के अंदर, मसलन सुहेल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा तो क्या होगा, सुहेल विल हैव, शैल हैव आना चाहिए ना, विल हैव, तो विल के बाद नॉट लगा दी, विल नॉट हैव, सुहेल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो जहां ये विल हैव था हमारा हैव वर्ब, उसके पहले लफ्ज के बाद हमने नॉट लगा दिया, सुहेल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहां नॉट आ जाएगा। तो नफी बनाने का इंतहाई आसान है कि हैव हैव हैड के बाद हम नॉट लगा दें। और इसका सवालिया उससे भी आसान है, जिस तरह पहले किया था सेम ऐसे ही है कि हैव हैव को फिक्र के शुरू में ले आए, इसमें हैव को फिक्र के शुरू में ले आए, और इसमें विल या शैल को, विल हैव है ना, हैव अपने जगह पर लगा लेगा, विल या शैल उसको फिक्र के शुरू में ले आए, तो यही फिक्र सवालिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये था हमारा आज का परफेक्ट टेंस, आप इसको बेहतरीन तरीके से